बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने मीडिया के सवालों पर कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने वाला है, जिसके लिए देश भर से बहुत आने वाले हैं। 23 जनवरी को देश भर से श्रद्धालु भी दर्शन के लिए आएंगे। ऐसे में सफाई की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सभी बेहतरीन होनी चाहिए। इन सभी चीजों की समीक्षा की गई है। मैं आज मैं यहाँ आया हूँ, आपको मालूम है कि 22 तारीख को एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम जन्मभूमि परिसर में जो मंदिर बना है उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके लिए पूरे देश भर से तमाम सारे हमारे संत महात्मा और बहुत सारे हर क्षेत्र के महत्वपूर्ण लोग आ रहे हैं। और उसके बाद 23 तारीख से पूरे देश भर से या विदेशों से भी काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, जो जो व्यवस्था चाहे उनको ठहरने की व्यवस्था हो, उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था हो, शौचालय और अन्य प्रकार की सफाई की व्यवस्था हो, उनके लिए जो भी आवश्यक व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं एक बिल्कुल हमें टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से देश में इतना अच्छा कार्य करते हुए दिख रहा है, वो चीज हमारे इस अयोध्या के भी इस पूरे इंतजाम में आना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए। तो इन सारी चीजों को उसको समीक्षा भी प्लस मौके पे भी जा जा करके मैं देख रहा हूँ, और अगर कहीं कोई भी किसी प्रकार की कोई कमी तो उसको हर एक चीज को हम लोग दूर करेंगे।